हाँ दोस्तों, वुमेन्स एशिया कप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका की वुमेन्स टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया। श्रीलंका ने पहली बार एशिया कप पर कब्जा किया है। भारत ने पल्ले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर में ही 166 रन बना दिए। मुकाबले की बात करें तो इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना ने अर्धशतक पारी खेली। उन्होंने 47 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 60 रन बोर्ड पर लगाए और इसके अलावा ऋचा घोष ने 14 गेंदों में 30 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 30 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल की। और आपको बता दें कि श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। इसके पहले टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा देखने को मिला है। तो ऐसी क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।